आज मैं आपको बनाना पैनकेक बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं 2 केले का पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे 2 केले को इस तरह से मिक्सी जार में अच्छी तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया। उसका मैं मेजरिंग कप से मेज़र करके इसमें 1 कप यानी कि 240 ml के करीब दूध डाल दूँगी। मैं इसमें 1 चुटकी के करीब नमक डाल दूँगी, इससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। मैं इसमें 3 चम्मच के करीब चीनी डाल दूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें चीनी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दूँगी। मैं इसमें 2 अंडे तोड़कर डाल दूँगी। अंडा भी फोड़ के डाल देती हूँ। मैं मेजरिंग कप से मेज़र करके इसमें 1 कप 120 ml के करीब मैदा डाल दूँगी। अब इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम। उसी कप से 1 कप और मैदा डाल दूंगी 120 ml। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम। मेरे पैनकेक का बैटर बनके तैयार हो चुका है। पैनकेक के बैटर को अच्छी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बैटर में अच्छी तरीके से बेकिंग पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, किस तरह से बैटर गिर रहा है। पैनकेक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा बैटर। इससे पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है और मेरा पैन गर्म हो चुका है। मैंने तवे को अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर लिया है। मैंने बटर डाल दिया है तवे पे और मेरा बटर भी अच्छे से गर्म हो चुका है मेल्ट होकर। अब मैं इसमें अपना पैनकेक का बैटर डालूंगी। अब मैं कलछी की हेल्प से इस तरह से बैटर डालूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं पैनकेक में कितने छोटे छोटे से बबल्स आने शुरू हो गए। पैनकेक बनाते वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब मैं लीड को हटा देती हूँ। मेरा पैनकेक एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन, मैंने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसके ऊपर। पैनकेक बन चुका है। अब हम इसी तरीके से अपने सभी पैनकेक को बना के तैयार कर लेंगे। बनाना पैनकेक बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टेस्ट ऑफ टारगेट को सब्सक्राइब कर दें, हमें लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बनाना पैनकेक की रेसिपी कैसी लगी है।